हेलो दोस्तों, हेलो हेलो, आप सब लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आज का वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप कैसे सारे टूर्नामेंट्स को खेल सकते हैं और कैसे जीत सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने कुछ गलतियाँ की और उस गलती की वजह से मैंने कुछ टूर्नामेंट्स के ऊपर मतलब पूरा डिस्क्वालीफाई हो गया दोस्तों, मतलब उस टूर्नामेंट से बाहर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहेगा दोस्तों, और इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को मैंने क्या गलतियाँ की। तो दोस्तों, आज का वीडियो में मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को इतना भी मत स्किप करिएगा दोस्तों, अगर आप इतना सब स्किप कर दिया तो आप लोगों के साथ भी ये गलती हो सकता है दोस्तों। तो इतना सब स्किप मत करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना दोस्तों, उससे हम मोटिवेट होते हैं दोस्तों और आप लोगों को ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। दोस्तों, माय करियर मोड में आप लोगों को पूरा 25 टूर्नामेंट्स देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। उसमें से 6 इंटरनेशनल, 16 डोमेस्टिक, 7 लीगल टूर्नामेंट्स है दोस्तों। पूरा 25 टूर्नामेंट्स आप लोगों को खेलना है दोस्तों। दोस्तों, इसमें से अलग अलग टूर्नामेंट्स है दोस्तों, अलग अलग टूर्नामेंट का अलग अलग रूल्स है दोस्तों। कुछ टूर्नामेंट्स में आप लोगों को इतना मैचेस जीतना पड़ेगा, मतलब पूरा 10 मैचेस में आप लोगों को 5 मैच जीतने से क्वालिफाई होंगे। कुछ मैचेस में आप लोगों को पूरे के पूरा जीतना पड़ेगा। तो दोस्तों, माय करियर मोड में अलग अलग टूर्नामेंट्स है दोस्तों, और अलग अलग टूर्नामेंट्स का अलग अलग रूल्स है दोस्तों। अगर वो रूल्स अगर आप जाने बिना अगर आप खेलने जाते हैं तो आप मैच हार जाते हैं, तो आप लोगों को टूर्नामेंट से बाहर भी होना पड़ता है दोस्तों। तो इसीलिए आप ये वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहेगा दोस्तों। मैंने भी कुछ टूर्नामेंट्स खेला दोस्तों, उस टूर्नामेंट से मैंने बाहर हो गया दोस्तों, एक मैच हारा। तो ये गलती आप मत करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, पहला टूर्नामेंट क्लब मैचेस है दोस्तों। इसमें पूरा 10 मैचेस रहते हैं, 5 ओवर का मैच है, एक एनर्जी आप लोगों को देना पड़ेगा दोस्तों, और एक लीगल एक नेशनल पॉइंट आप लोगों को मिलेंगे दोस्तों जब आप मैच जीत लेते हैं। पूरा 10 मैचेस जीतने के बाद आप लोगों को 10 लीगल पॉइंट्स और 10 नेशनल पॉइंट मिलेंगे दोस्तों। दोस्तों, इसमें आप लोगों को मतलब अगर आप मैच हारेंगे, पूरे के पूरे 10 मैचेस हारेंगे भी आप लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगला टूर्नामेंट है रीजनल ब्लिज, और इसमें आप लोगों की एंट्री फ्री है दोस्तों। 18 मैचेस है दोस्तों, 5 ओवर्स का मैच है, 1 एनर्जी देना पड़ेगा दोस्तों, और आप लोगों को एक लीगल पॉइंट मिलेगा दोस्तों। तो पूरा मैचेस जीतने के बाद आप लोगों को 18 लीगल पॉइंट्स मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें लेकिन आप लोगों को हर मैच जीतना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप एक भी मैच अगर हार जाएंगे तो आप इस मैच से मतलब इस टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे दोस्तों, मतलब इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। अगर आप एक भी मैच अगर हारे तो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो थोड़ा ध्यान से खेलेगा दोस्तों, ये मैच अगर आपका गलती से आपका टीम के वजह से भी हार सकता है दोस्तों। अगर आप एक भी मैच हार गए दोस्तों तो आप लोगों को टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ेगा, आप मतलब टूर्नामेंट मतलब फिर से नहीं जा पाएंगे। फिर से आप लोगों को पूरा सीजन कंप्लीट करने के बाद ही ये टूर्नामेंट खेल सकेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जो भी मैच है मतलब संभल कर खेलेगा दोस्तों, मतलब पूरा मैचेस आप लोग जीतने की कोशिश करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, तीसरा टूर्नामेंट है रीजनल T20। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों का एंट्री फ्री है और आप लोगों को 12 मैचेस खेलना पड़ेगा दोस्तों। तो इसमें आप लोगों को 20 ओवर का मैच रहेगा, एक एनर्जी कॉस्ट करेगा, और आप लोगों को 2 नेशनल पॉइंट्स मिलेगा दोस्तों। अगर आप पूरा 12 मैचेस जीत जाएंगे तो आप लोगों को 24 नेशनल पॉइंट्स मिलेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इसमें आप लोगों को 3 मैचेस देखने के लिए मिल जाएगा, फाइनल, लूजर फाइनल और आप लोगों को सेमीफाइनल। तो ये है 3 मैचेस दोस्तों। 9 मैचेस में आप लोगों को पूरा 5 मैचेस अगर आप जीतेंगे तो आप प्लेऑफ पर जा पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस टूर्नामेंट में आप लोगों को पूरा 9 मैचेस होगा। 9 मैचेस में आप लोगों को 5 मैच जीतना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप 5 मैचेस जीत जाएंगे तो आप लोग मतलब प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, और आप सेमीफाइनल खेलेंगे, लूजर सेमीफाइनल। आप अगर हार गए तो लूजर सेमीफाइनल खेलेंगे, और आप आखिरी फाइनल मैच भी खेल पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आगे का टूर्नामेंट्स के बारे में मैं अपने अगले वीडियो पर बताऊंगा दोस्तों। तो उसके लिए आप लोगों को नीचे जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा दोस्तों। मैं वो वीडियो आप लोगों को कल प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। और दोस्तों, आप लोगों को माई करियर मोड के ऊपर कुछ भी जानना है, मतलब जो भी है वो आप लोगों को जानना है, तो जल्दी से जाओ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करो दोस्तों। तो उसमें मैं ज़रूर आप लोगों को कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, आगे का टूर्नामेंट्स का डिटेल्स मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बता दूंगा दोस्तों। तो उसके लिए जल्दी से हमारे चैनल को कर दोस्तों, और बेल आइकन को भी ऑन नोटिफिकेशन प्रेस करके रखना दोस्तों। उससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप तुरंत देख सकेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलता है अगले वीडियो में दोस्तों। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अलविदा।